नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईटेल A48 मोबाइल फोन के बारे में, जो कि गाइस चीपेस्ट स्मार्टफोन है और इंडिया मेड इन इंडिया ने प्योर, और बहुत कम बजट में आपको स्मार्टफोन मिल जाता है। लेकिन गाइस स्मार्टफोन तो है, मगर किन के लिए है आज हम वो डिस्क्राइब करेंगे इस वीडियो में। क्या आप मल्टीफंक्शनल मोबाइल है, क्योंकि जिस प्राइस सेगमेंट में आता है हम ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। जैसे गाइस बात करें स्टोरेज कैपेसिटी, 2 GB रैम के साथ 32 GB स्टोरेज के साथ आता है, लेकिन बात करें प्राइस सेगमेंट बहुत ही ज्यादा कम है। 6,999 रुपये में आपको मात्र ये मिल जाता है, जिसमें आपको 6.1 इंच की HD डिस्प्ले मिल जाती है, 60 Hz प्रोसेसर मतलब स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिल जाता है। और गाइस बात करें कैमरा सेटअप, तो पीछे आपको 2 कैमरे मिल जाते हैं, 5 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है, 5 मेगापिक्सल का आपको वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है। अब गाइस बात करते हैं सेल्फी कैमरे का, तो सेल्फी कैमरा भी आपको 5 मेगापिक्सल मिल जाता है, जो कि गाइस इस प्राइस सेगमेंट में बेस्ट है। अब बात करें बैटरी की, तो 3000 mAh की बैटरी मिल जाती है इन बिल्ट, जो कि आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि यार इस प्राइस सेगमेंट में शायद रिमूवेबल बैटरी हो, तो इनबिल्ट बैटरी है। बात करें किस एंड्रॉयड पे वर्क कर रहा है, तो एंड्रॉयड 10 पे कंटिन्यू वर्क कर रहा है, और 11 की कोई उम्मीद नहीं है आने की कि आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि अभी जो करंटली चल रहा है 11 चल रहा है, बट सितंबर के बाद उम्मीद है कि जल्दी आपको 12 भी देखने के लिए मिल जाएगा। बात करें किस नेटवर्क को सपोर्ट करता है, तो 4G सिम कार्ड को, मतलब जियो की 4G या एयरटेल की 4G सिम को फर्स्ट क्लास सपोर्ट करेगा। अब बात करें प्रोसेसर, तो क्वाड कोर का आपको प्रोसेसर मिल जाता है। अब गाइज इस प्राइस सेगमेंट में इससे अच्छा आपको क्या मिल सकता है। अभी रिसेंटली आप 2,000 रुपये इंक्रीज करते हैं, मतलब 8-8,500 रुपये तक जाते हैं, तो अभी रिसेंटली लॉन्च किया है रियलमी ने, वीवो ने, ओप्पो ने, मतलब सभी के आपको मिल जाते हैं देखने के लिए नए सेट। लेकिन गाइज इस प्राइस सेगमेंट में आपको 7,000 रुपये में इससे थोड़ा बहुत अच्छा मिल सकता है। जैसे कि बात करूँ रियलमी का है सेट, तो वहां पे आप सर्च करते हैं तो शायद मिल जाए, लेकिन बात करें कैमरा क्वालिटी एंड बैटरी बैकअप, तो आप फर्स्ट टाइम मोबाइल ले रहे हैं स्मार्टफोन, तो गाइस मैं रिफर नहीं करूंगा कि आप इसमें का मोबाइल ले, क्योंकि आप पक जाएंगे। लेकिन आप हाँ सेकंड मोबाइल, मतलब मेरे पास मेन एंड्रॉइड मोबाइल है लेकिन मुझे दूसरा मोबाइल रखना है, तो गाइस मतलब लोएस्ट बजट में सबसे अच्छा स्मार्टफोन है, आप रख भी सकते हैं, मेड इन इंडिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्टेड जो है चाइना से है, तो आपकी इन्फॉर्मेशन तो लीक करेगा, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं रखते, तो नॉर्मल आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इस प्राइस सेगमेंट में बेस्ट मोबाइल है। तो गाइस ये वीडियो आपको अच्छे लगे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।